भारत इस टाइम एक बड़ी दुर्घटना का शिकार बन सकता है, जिससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान जा सकती है, और भारत सरकार को इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में कुल 5,745 बांध है। इन बांधों में से 670 ऐसे इलाके हैं जो भूकंप संभावित जोन की उच्चतम श्रेणी में आते हैं। इन्हीं में से तमिलनाडु और केरल के बीच में स्थित मुलापेरियार डैम आता है, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह डैम कभी भी टूट सकता है, जिससे भारी तबाही हो सकती है। एक रिसर्च से यह पता चला था कि इस बांध की कुल आयु 50 वर्ष तक ही थी, लेकिन इसे तो बने ही 100 साल से ऊपर हो गया है। इस डैम का निर्माण 1887 में शुरू हुआ और 1895 तक खत्म हुआ था। इसके बनाने के 80 साल बाद से ही इसमें क्रैक्स और लीक्स आने शुरू हो गए थे। आज ये और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस ने खुद इस समय इस डैम को लेकर इंडिया को एक वार्निंग इश्यू करते हुए कहा कि इस डैम को जितना जल्दी हो सके रिप्लेस करके वहां पर एक नया डैम बना दिया जाए, क्योंकि एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, अच्छी तरह से निर्मित और अच्छी तरह से बनाए रखा गया बांध ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक चल सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुलापेरियार बांध का क्षेत्र भूकंप के लिहाज से काफी जोखिम वाला है। जिस इलाके में यह बांध बना है वहां 6.5 तीव्रता के भूकंप आने की आशंका है। पिछले कुछ सालों में आसपास के इलाकों में तकरीबन 40 छोटे मोटे भूकंप के झटके आ चुके हैं। इस बांध की आयु समाप्त हो चुकी है। पुराने और कमजोर हो चुके इस बांध का जल्द से जल्द रिनोवेशन किया जाना चाहिए। मुझे सरकार को यह कहना है कि इन आने वाले भूस्खलन को कोई नहीं रोक सकता। सुरक्षा सबसे अहम है। जान माल की रक्षा करना उदारता की बात नहीं है, यह एक अधिकार है। जरा देखिए, अगर इस एरिया में 5 रिक्टर स्केल का भी एक अर्थक्वेक आ जाता है तो ये डैम तुरंत टूट जाएगा। इस डैम की लोकेशन भी देखोगे तो ये पूरा एरिया एक मेजर अर्थक्वेक जोन में आता है। अगर ये डैम कोलैप्स हो गया तो ये अकेले नहीं टूटेगा, बल्कि इससे निकलने वाले पानी से 3 और डैम के टूटने का खतरा है, क्योंकि इस डैम के एग्जैक्ट पीछे है इडुक्की डैम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, और इसी के पीछे है चेरुथोनी डैम, और उसके एकदम बाजू में है कुलामावु डैम। यानी कि अगर मुलापेरियार डैम टूटा तो इससे निकला पानी अपने साथ इन डैमों को भी तोड़ता हुआ बहा ले जाएगा। लेकिन डैम को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता है वह इसे ठीक करने की नहीं, बल्कि इसे ठीक कौन करेगा की है, क्योंकि यह डैम केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और शर्मिंदगी की बात यह है कि दोनों राज्यों की गवर्नमेंट पार्टियों के नेता इस डैम को लेकर एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसको लेकर दोनों राज्यों के बीच यह विवाद चलता जा रहा है। आपको बता दूं कि केरल और तमिलनाडु के बीच इस डैम को लेकर यह विवाद अभी से नहीं बल्कि काफी सदियों से चल रहा है। यह बांध केरल के बॉर्डर के 123 किलोमीटर अंदर है। हालांकि इसकी जो निगरानी और प्रबंधन है वह पड़ोसी राज्य यानी कि तमिलनाडु द्वारा किया जाता है, लेकिन दोनों राज्यों का जो विवाद है वो है क्या और ये शुरू कब हुआ, इसे जानने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में जाना पड़ेगा। जब पूरा इंडिया ब्रिटिश राज में था और ये पूरा इलाका मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था, तब इस एरिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट में मेजर शूट्स आ गए थे, सूखा पड़ गया था। मदुराई, थेनी, शिवगंगा, रमनाथपुरम और दिंदिगुल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में आते हैं। ये एरिया काफी सूखे पड़े हुए थे। इनकी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अक्टूबर 1886 में त्रावणकोर के महाराजा और प्रेसिडेंसी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके चलते ब्रिटिशर्स का प्लान था कि पास ही में स्थित पेरियार रिवर, जो कि वेस्ट की तरफ बहती है, उसके बहाव को रोककर अगर मोड़ा जाए तो थोड़ा सा पानी इन सूखे जिलों में भी पहुंचने लगेगा। त्रावणकोर के महाराजा और प्रेसिडेंसी के बीच हुई इस डील के अकॉर्डिंग 8000 एकड़ जमीन पट्टे पर दी गई थी। यह पट्टा 999 साल के लिए था। यह लैंड मिलते ही मुलापेरियार डैम को बनाया गया, लेकिन डैम से इलाकों को पानी तो मिल गया, परंतु इस पार्टीशन से बीच में एक लकीर बन गई। ईस्ट का यह इलाका तो बन गया तमिलनाडु और वेस्ट का यह इलाका बन गया केरला, जिसके बाद डैम फंस गया इन दोनों राज्यों के बीच में। आज के समय में भी यह डैम केरला की जमीन पर खड़ा है,
लेकिन तमिलनाडु ही इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसीलिए इसकी ऑनरशिप आज तमिलनाडु के पास है, जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भारत की आजादी के बाद केरल और तमिलनाडु राज्य ने बांध प्रणाली को बनाए रखा। 1970 में कई असफल प्रयासों के बाद समझौते को अपडेट किया गया। इस अपडेट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बांध की भूमि का प्रति एकड़ टैक्स बढ़ गया, जिससे तमिलनाडु के लिए बिजली उत्पादन लागत बढ़ गई। वर्ष 1979 के अंत में बांध पर कई सारी दरारें आ गई, जिसके चलते यह विवाद और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद डैम की मरम्मत करवाई गई और जल स्तर को 152 फीट के मुकाबले 136 फीट तक कम किया गया। केरला वाले इससे खुश नहीं थे, क्योंकि डैम का कोई भरोसा नहीं था कि यह कब टूट जाए, क्योंकि अगर यह डैम टूटी तो नदी के पानी से केरल का काफी सारा एरिया पानी में डूब जाएगा, क्योंकि जो नदी का भाव है वह केरला के तरफ ही जाता है। केरल की इसी मांग के चलते तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस टाइम में 10 मीटर चौड़ी कंक्रीट वाली वॉल खड़ी कर दी। आपको बता दूं कि डैम के टूटने का असल कारण भूकंप होता है, और इस दीवार के तकरीबन 10 साल बाद ही एक भूकंप आ गया था, जिसके चलते केरल के लोग और डर गए। उनकी मांग थी कि इस डैम को हटाकर अब एक नया डैम बनाया जाए। इस डैम को तोड़कर बनाने का खर्चा तकरीबन 1000 करोड़ है, इसलिए इन दोनों राज्यों की सरकार एक दूसरे पर तंज कसने में लगी हुई है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट काफी सालों से इस बांध को लेकर कई फैसले सुना चुका है। जैसे कि साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बांध में पानी का स्तर 142 फीट तक बढ़ाया जाए। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक समूह बनाने का आदेश दिया था, जो बांध की देखरेख करे और बाकी काम तमिलनाडु पूरा कराए। लेकिन आपको बता दूं कि केरल में रीसेंट डेज में भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे लोग बांध के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस घटना के बाद से आज तक वहां पर इस मुद्दे को लेकर सिर्फ पॉलिटिक्स ही चालू है। हालांकि बांध स्थल के आसपास भूस्खलन की कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी, लेकिन केरल के लोगों को डर है कि ये बांध कहीं गिर ना जाए, इसलिए उन्होंने इस बांध को तोड़कर नए बांध के निर्माण की आवाज उठाई है। वहीं तमिलनाडु सरकार मानती है कि मौजूदा बांध को मजबूत करके नए बांध की तरह इस्तेमाल किया जाए। वहां की आम जनता इन दोनों सरकारों के बीच फंस गई है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वह यह नहीं देख रही कि अगर यह डैम कोलैप्स हुआ तो लगभग 30 से 35 लाख तक आम लोगों की जान जा सकती है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर कि क्या डैम को दोबारा बनाना चाहिए या इसी डैम को रिपेयर करके काम चलाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।